हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बटनेर आईएएस। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने आज के वीडियो की। जैसा कि हम 10th एनसीईआरटी सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम 10th एनसीईआरटी ओवरऑल सिलेबस का एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे टेस्ट की, देखते हैं हमने कितनी तैयारी की है, कितनी प्रिपरेशन हमारी रही है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, एजेंडा 21 घोषणा का संबंध निम्नलिखित में से किस सम्मेलन से है। तो एजेंडा 21 आप याद कीजिए, हमने पढ़ा था कि हमारे एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण से रिलेटेड समस्याओं के बारे में कुछ देशों ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड मुद्दों के ऊपर डिस्कशन वहां पर किया गया था। तो कहाँ हुआ था? ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर के अंदर किया गया था। तो हम देखें क्योटो प्रोटोकॉल या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, या हम देखें पृथ्वी शिखर वार्ता, रियो डी जेनेरो और जेनेवा प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर हमें अच्छे से याद है कि रियो डी जेनेरो यानी कि पृथ्वी शिखर वार्ता जहां पर कुछ देशों ने मिलकर की थी, तो वहीं पर एजेंडा 21 जो घोषणा पत्र है वो डिक्लेयर किया गया था। तो सही ऑप्शन जो होगा हमारा सी जवाब होगा। जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा जिसे हम कहते हैं एल्यूवियल सॉयल, एल्यूवियल सॉयल की अगर हम बात करें तो नीचे दिए गए कथनों पर हमें विचार करना है। तो आइए विचार करते हैं। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है। बांगर मृदा में कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज्यादा होती है। खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज्यादा महीन कण पाए जाते हैं। तो हमें अब बताना है कि इन तीन स्टेटमेंट्स में से उपयुक्त तीन कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, हमने पढ़ा था जो एल्यूवियल सॉइल है ये खादर और बांगर दो तरह की होती है, खादर एंड बांगर, जिनमें से एक जिसे हम कहते हैं ओल्ड एल्यूवियल सॉइल और दूसरी हम कहते हैं फ्रेश एल्यूवियल सॉइल। तो जो पुरानी होगी उसके जो ग्रेन्यूल्स होंगे वो कैसे होंगे, हमारे ताजे बने जो हमारी नई एल्यूवियल सॉइल बनी होगी उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो ज्यादा महीन नहीं होंगे, बल्कि जो पुराने वाली है उसके हमारे ज्यादा महीन होंगे। तो हम जानते हैं पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। बांगर मृदा में कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज्यादा होती है, यानी कि जो हमने ग्रेन्यूल्स को स्टडी किया था, कंकर यानी कि कंकर ग्रेन्यूल्स ज्यादा होते हैं, सही है ये। खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज्यादा महीन कण पाए जाते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा फाइन ग्रेन्यूल्स होते हैं, बारीक होते हैं, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो हम देखें हमारा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, केवल एक और दो, दो और तीन, एक और तीन, एक दो और तीन, यानी कि हमारे तीनों स्टेटमेंट सही है, तो जो डी ऑप्शन है वो हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, कंजर्वेशन आएगा यहाँ पर, ने पौधों और प्राणियों की जातियों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया है। इन श्रेणियों के संदर्भ में नीचे दिए गए युग्मों में से कौन से सुमेलित है। तो हम पहले हम रिकॉल करते हैं कि हमने कुछ स्पीशीज के बारे में पढ़ा था, जैसे हमने एंडेंजर्ड स्पीशीज को पढ़ा, हमने एंडेमिक स्पीशीज को पढ़ा, वल्नरेबल को पढ़ा, एक्सटिंक्ट को पढ़ा। तो एंडेंजर्ड स्पीशीज कौन सी होती हैं, जो खतरे में हैं, जिनको हमें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, अगर इस लेवल पर हमने उनको प्रोटेक्ट नहीं किया तो वो क्या हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी। तो सेम एक्सटिंक्ट क्या हो गई, जो प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। वल्नरेबल जो संकटकालीन स्थिति में है, अगर हमने इनको प्रोटेक्ट नहीं किया तो ये एंडेंजर्ड में शिफ्ट हो सकती हैं। और एंडेमिक स्पीशीज जो हमने पढ़ा था, जो पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक एरिया में ही हमें मिलती हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्थानीय प्रजातियां। तो चलिए हम ऑप्शंस को रीड कर लेते हैं। संकटग्रस्त यानी कि एंडेंजर्ड स्पीशीज कौन सी हैं, जिन जातियों के लुप्त होने का खतरा है, तो बिल्कुल सही है ये। सुभेद्य यानी कि वल्नरेबल स्पीशीज, वे जातियां जिनकी संख्या घट रही है, तो ये भी सही है हमारा। स्थानिक जातियां जिसे हम इंग्लिश में एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं, इन जातियों की संख्या बहुत कम है या सुभेद्य है, तो ये जो थर्ड ऑप्शन है हमारा ये कुछ मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि एंडेमिक स्पीशीज जैसा कि अभी हमने पढ़ा, जो पर्टिकुलर किसी एरिया में मिलती हैं उन्हें हम स्पेसिफिकली एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं। तो हमें इसमें बताना है कि कौन से युग्म सुमेलित हैं, तो एक और दो हमारे सुमेलित हैं, जो तीसरा ऑप्शन है वो हमारा सुमेलित नहीं है, तो एक और दो हमारे ए ऑप्शन के अंदर आ रहा है, तो ए ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन हम देखें, बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। तो आप याद कीजिए हमने चैप्टर को स्टडी करते हुए हमने पढ़ा था कि बीज बचाओ आंदोलन जो है टिहरी इलाका जो है उत्तराखंड का, वहां पे चलाया गया था, वहां पे किसानों ने उर्वरकों का या जो रासायनिक खादें हैं उनका यूज ना करके ऑर्गेनिक तरीके से खेती करने को प्रोत्साहन दिया था। तो उत्तराखंड टिहरी जो है इसका सही जवाब होगा।
नदियों और उस पर निर्मित बांधों के संबंध में नीचे दी गई सूची को हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, कावेरी, मिट्टूर, नर्मदा, नागार्जुन, चंबल, राणा प्रताप और कृष्णा ओंकारेश्वर। तो हम ऑप्शन अगर यहीं पर हम मैच करें तो कावेरी जो है वो मिट्टूर बांध, ये सही है। नर्मदा की अगर हम बात करें तो नर्मदा नदी पर बनता है हमारा ओंकारेश्वर, कृष्णा नदी पर हमारा बनेगा नागार्जुन, और चंबल नदी पर जो हमारा जाएगा ये जाएगा राणा प्रताप सागर। तो यानी कि हमारा जो सीरीज हम देखें तो जाएगी 1, 4, 3 और 2। तो 1, 4, 3 और 2, ये रही हमारा बी ऑप्शन, हमारा मैच कर रहा है। तो बी ऑप्शन जो है इसका सही जवाब होगा। कावेरी नदी पर जो बना हुआ बांध है वो है मिट्टूर बांध, नर्मदा नदी पर बना हुआ है ओंकारेश्वर बांध, चंबल नदी पर बना हुआ है राणा प्रताप सागर बांध और कृष्णा नदी पर बना हुआ है नागार्जुन सागर बांध। तो बी ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है। सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है? तो देखिए, सलाल प्रोजेक्ट जो है ये जम्मू एंड कश्मीर में जो है जल विद्युत परियोजना यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से रिलेटेड है। अब जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कौन सी नदी हम सभी जानते हैं? चेनाब नदी। तो चेनाब जो है, चेनाब नदी से संबंध है इसका सलाल प्रोजेक्ट का। अगला क्वेश्चन देखिए हम, भारत के कुछ भागों में अभी भी कर्तन दहन प्रणाली स्लैश एंड बर्न यानी कि जब हम फसल को जला देते हैं और उसकी राख जो है मिट्टी में मिलकर जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं नेचुरली डेवलप होते हैं उस मेथड को हम क्या कहते हैं? स्लैश एंड बर्न यानी कि कर्तन दहन प्रणाली। इस कृषि को देश के विभिन्न भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। हमने बहुत सारे नाम पढ़े थे, अलग अलग इलाकों में, अलग अलग एरियाज में अलग अलग नामों से इस खेती को जाना जाता है। इस कृषि से संबंधित क्षेत्र और इनके प्रचलित नामों से संदर्भ में नीचे दी गई सूची को आपस में मिलाइए। तो चलिए, हम यहाँ पे दो कॉलम्स दिए गए हैं, एक में जो है हमें स्लैश एंड बर्न खेती का नाम दिया गया है और दूसरे कॉलम में हमें एरिया का नाम दिया गया। तो हमें मैच करना है कि क्या उस एरिया में इसको स्लैश एंड बर्न को इसी नाम से जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं, पहला हमारा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जहां पर दीपा इसे कहा जाता है, तो ये हमारा ऑप्शन सही है, दीपा ही कहा जाता है। मध्य प्रदेश में बेवर कहा जाता है, तो ये भी सही है। पश्चिमी घाट में कुमारी कहा जाता है, तो ये भी हमारा सही है। झारखंड में से कुरुवा कहा जाता है, तो ये भी हमारा सही है। यानी कि चारों जो ऑप्शंस हैं वो सही मैच कर रहे हैं। तो हम देखें ऑप्शन हमारा 1, 2, 3, 4, तो यही पहला ऑप्शन है, यही हमारा सही जा रहा है। तो ए ऑप्शन जो होगा इसका सही जवाब होगा। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू किया गया था? तो हमने पढ़ा था, ये भी आप रिकॉल कीजिए, रिवाइज कीजिए आप, कि पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसी में हमने भूमि सुधार को लागू किया था, जिसमें हमने जमींदारी प्रथा की बात की थी, या हमने जो होल्डिंग्स हैं, जो जोत है उसके आकार को कंसोलिडेट किया था प्रॉपरली, उसका जो साइज छोटे से छोटा होता जा रहा था पैतृक संपत्ति के आधार पर। तो उन सभी चीजों को कंट्रोल करने के लिए जो भूमि सुधार कार्यक्रम है वो लागू किया गया था। तो ये कौन सी परियोजना में था? प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंदर। नीचे दी गई सूचियों को आपस में मिलाइए तथा कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। काकरा पार, नाम से ही पता चल रहा है भाई, गुजरात में काकरा पार जो है गुजरात में है। कैगा हम देखें ये कर्नाटक में है। कल्पक्कम तमिलनाडु और नरोरा उत्तर प्रदेश। तो ये हमारी सही मैचिंग जा रही है। तो ऑप्शन हम देखें कहाँ मैच हो रहा है। देखिए, ए जा रहा है हमारा 2 के साथ, बी जा रहा है हमारा 1 के साथ, सी जा रहा है हमारा 4 के साथ और डी जा रहा है हमारा 3 के साथ। तो जो बी ऑप्शन है ये हमारी मैचिंग सही जा रही है। काकरा पार जो है गुजरात के अंदर है, कैगा कर्नाटक के अंदर है, कल्पक्कम तमिलनाडु और नरोरा जो है वो यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर है। भारत के किस राज्य में रैट हॉल खनन किया जाता है? देखिए, माइनिंग के अंदर हमने पढ़ा था कि जो हमारी जितनी भी माइंस हैं उनका नेशनलाइजेशन किया जा चुका है, लेकिन अभी भी कुछ एरियाज ऐसे हैं जो हमने एस्टर्न पार्ट्स को हमने स्टडी किया था कि वहां पर अभी भी जो इंडिविजुअल कम्युनिटीज हैं या लोग हैं उनका अधिकार है, और वो लोग क्या करते हैं जो अपना माइनिंग एरिया है उसमें एक शाफ्ट लगाकर माइनिंग करते हैं और उसको बेचते हैं, इसी को हमने क्या कहा था? रैट हॉल कहा था। तो रैट हॉल बेसिकली हमने कहाँ पढ़ा था? मेघालय के अंदर, एस्टर्न स्टेट्स हमने कहा है, तो एस्टर्न स्टेट्स में यहाँ पर हमारा कौन सा मैच कर रहा है? मेघालय। तो रैट हॉल खनन कहाँ किया जाता है? मेघालय में। हालांकि एनजीटी ने इसे इलीगल क्लेम करने के लिए कहा था। भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्राकृतिक गैस पाई जाती है? कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन, खंबात की खाड़ी, अंडमान निकोबार आइलैंड। तो तीनों ही जगह पर हमें जो है प्राकृतिक गैस मिलती है। तो 1, 2 और 3 यानी कि डी जो ऑप्शन है ये हमारा सही होगा, तीनों ही इलाकों में हमें प्राकृतिक गैस मिलती है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन समूहन बचत को परिभाषित करता है? देखिए, समूहन बचत यानी कि एग्लोमेरेशन इकोनॉमी, इंडस्ट्रीज चैप्टर के समय हमने पढ़ा था कि जो इंडस्ट्रीज हैं अपने इन अपनी जो है यानी कि अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए, जो एक्सपेंडिचर है उसको मिनिमाइज करने के लिए एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करती हैं। मतलब ये एक दूसरे के साथ मिलकर, जैसे किसी को रॉ मटेरियल की ज़रूरत है या किसी को फाइन प्रोडक्ट को बेचने की ज़रूरत है, तो ये सारे जो इंडस्ट्रीज हैं आपस में एक दूसरे के साथ एक एग्लोमरेशन एस्टैब्लिश करती हैं, एक समूहन इनका बन जाता है। तो जब अर्बन एरियाज की हम बात करें जहाँ पर इन सब की जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो जाती है अलग अलग चीज़ों के लिए, जैसे ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करें या रॉ मटेरियल की हम बात करें, मार्केट की हम बात करें, तो ओवरऑल अगर हम देखें जो कॉस्ट है इनको कम पड़ती है, तो जो अर्बन एरियाज हैं वहां पर जो इंडस्ट्रीज हैं आपस में एक समूह बना लेती हैं, आसपास बहुत सारी इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश हो जाती हैं, जिसे हम एग्लोमरेशन इकोनॉमी कहते हैं। तो ऑप्शंस में से हम मैच कर लेते हैं कौन सा जो स्टेटमेंट इसको सही एक्सप्लेन कर रहा है। सुदूर पिछड़े एवं अविकसित क्षेत्रों में उद्योगों का संकेंद्रण, जी नहीं, सुदूर पिछड़े इलाकों में एग्लोमरेशन नहीं होता। उद्योगों का नगरों के आसपास संकेंद्रण, बिल्कुल यही सही ऑप्शन होगा। आगे और देख लेते हैं हम, लोगों द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुरूप उद्योगों की स्थापना और इनमें से कोई नहीं, तो जो बी ऑप्शन है वो हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैच आ रहा है। यानी कि उद्योग जब अर्बन एरियाज में यानी कि नगरों के आसपास सेंट्रलाइज हो जाते हैं, यानी कि उसके आसपास डेवलप होने लग जाते हैं, तो उसी को हम क्या कह देते हैं, एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। विभिन्न उर्वरकों तथा उनमें प्रमुख यौगिक के संबंध में नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? अब ये जो कुछ फर्टिलाइजर्स हम स्टडी कर रही हैं, इन फर्टिलाइजर के अंदर कौन सा केमिकल हमें मिलता है, कौन सा एलिमेंट कंपाउंड हमें मिलता है, वो हमें मैच करना है। तो यूरिया हम सभी जानते हैं नाइट्रोजन इसके अंदर मिलता है, तो नाइट्रोजन ही उर्वरक है। डीएपी की अगर हम बात करें तो डीएपी के अंदर फॉस्फेट मिलता है, और मिश्रित उर्वरक की हम बात करें तो नाइट्रोजन फॉस्फेट और पोटाश जो है वो हमें मिश्रित उर्वरक के अंदर मिलता है। तो सिर्फ पहले वाला जो ऑप्शन है वो हमारा सही है, यूरिया के अंदर नाइट्रोजन ही, बाकी डीएपी जो है ये फॉस्फेट के साथ जाएगा, और मिश्रित उर्वरक जो है उनमें नाइट्रोजन फॉस्फेट और पोटाश मिलते हैं। तो सुमेलित हमारा कौन सा हुआ, केवल एक, यानी कि जो पहला ऑप्शन है वही हमारा सही होगा। नीचे दिए गए युग्म में से कौन सा युग्म सुमेलित है, मैचिंग हमें फिर से देखनी है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या एक, नेशनल वाटरवेज, पहला जो हमने पढ़ा था तो ये हमने पढ़ा था हल्दिया टू इलाहाबाद, तो इलाहाबाद टू हल्दिया के मध्य ये हमारा सही है ऑप्शन। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या दो यानी कि नेशनल वाटरवेज टू हम बात करें तो सादे और धुबरी के बीच में, ये भी सही है। राष्ट्रीय जलमार्ग थ्री यानी कि NW3 की हम बात करें तो काकीनाड़ा पुद्दुचेरी नहर, तो ये ऑप्शन हमारा मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि हम देखें हमने क्या पढ़ा था, जो नेशनल हाई वाटरवेज थर्ड है हमारा, वो जो हमारा वेस्ट कोस्ट कैनाल जो इलाका था केरला का ये हमारा था हमारा NW3। नेशनल वाटरवेज थर्ड जो था हमारा केरला का वेस्ट कोस्ट केनाल एरिया जो था वो हमारा नेशनल वाटरवे थर्ड के अंदर था, तो जो थर्ड है वो हमारा मैच नहीं कर रहा। एक और दो जो ऑप्शंस है वो हमारी मैच कर रहे हैं, तो हमारा सही जवाब होगा एक और दो, हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही है, तो चलिए हम इसको टिक कर देते हैं, केवल एक और दो ऑप्शन जो है वो हमारा सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से किस पतन को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहले पतन यानी कि हार्बर के रूप में, या पोर्ट की बात हम करें, हार्बर या पोर्ट के रूप में डिस्कस किया गया था आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने देखा था कि इंडिपेंडेंस से पहले जो कराची एयरपोर्ट जो था, यहां से ज्यादातर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम किया जाता था, सामान लाने ले जाने का काम किया जाता था, एक मेजर पोर्ट ही हुआ करता था। लेकिन आजादी के समय जो कराची है वो पाकिस्तान में चला गया, तो हमारे यहाँ जो है हमने एक कांडला को जो है एक पोर्ट बनाया था, तो कांडला पत्तन, मारमुगाओ, जवाहरलाल नेहरू पत्तन और मंगलोर पत्तन, तो कांडला पत्तन ये हम स्टडी कर चुके हैं। और सबसे मुख्य बात जो है, ये कांडला जो है ये क्या है, टाइडल पोर्ट है, यानी कि ज्वारीय पत्तन है, ये टाइडल पोर्ट है। तो इस नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है कि टाइडल पोर्ट कौन सा है, तो कांडला जो पोर्ट है वो हमारा टाइडल पोर्ट है। साथ ही जो हमारी आज़ादी के बाद देश का पहला जो हमारा पोर्ट था, पत्तन था, वो कांडला पत्तन ही था। तो यहाँ हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, आपने कितने क्वेश्चंस
कंप्लीट किए हैं, आप बताइए कि आपका रिवीजन कितना रहा, कितना आपने कवर किया है सिलेबस के अंदर। आई होप यहाँ तक आपका जो 10th क्लास का रिवीजन है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो या अन्य किसी चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आपको अब तक के वीडियोज़ में, तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें। अगले वीडियो में हम 11th क्लास के साथ शुरुआत करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़ एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।